सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी को लेकर। आइडिया फोर्ज में आप लोग देखोगे भी अचानक से 9% के करीब जो शेयर है वो हमें क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कल जो शेयर है वो 850 रुपये के आसपास के भाव में क्लोजिंग लिया था और आज आप लोग देखोगे 783 रुपये के आसपास स्टॉक आया हुआ है। तो कारण क्या रहा है स्टॉक में थोड़ी गिरावट का, और स्टॉक अपने बाउंड भी खाए से 33% फिसल चुका है, क्या गिरावट और बनेगी स्टॉक में, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल में। तो कल की डेट आपको याद होगी भी, कल 29 तारीख थी और कल जो ना भी कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज करते हुए नजर आए थे। ये रिजल्ट आप लोग देखो कि मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं, तो जिसका इम्पैक्ट हमें सुबह सुबह स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। जहाँ स्टॉक के रिजल्ट आए थे कल के दिन, वैसे मैंने रिजल्ट के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दिया है कि रिजल्ट्स कैसे हैं कैसे नहीं हैं, इम्पैक्ट कैसा रहेगा, वो मैंने कल की वीडियो में क्लियर बोला था कि स्टॉक के अंदर रिजल्ट खराब हो तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हालांकि आप लोग देखो 740 तक स्टॉक नीचे में जाने के बाद रिकवरी देते हुए नजर आ रहे हैं। 783-794 रुपये तक जो शेयर वो ऊपर में आया भाई 740 पर आने के बाद, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी स्टॉक में बनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भी इसके रिजल्ट्स, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं तो। आप लोग देखोगे कंपनी का रिवेन्यू प्रीवियस क्वार्टर से हमें गिरते हुए नजर आया है, 107-108 करोड़ से आप लोग 92 करोड़ पर प्रॉफिट इसका जो रेवेन्यू रहा है। और वहीं अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, वहां पर 100 करोड़ का रेवेन्यू था, वहां से 8% की गिरावट रही रेवेन्यू में, 92 पर रहा है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसका जो एक्सपेंस या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप लोग देखोगे ये प्रीवियस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा घटा है भाई। ठीक है, लगभग 15 करोड़ से 2.5 करोड़ पर आ गया इसका प्रॉफिट, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था 28 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से प्रॉफिट में बिग डिक्लाइन, तो काफ़ी बड़ा डिक्लाइन रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी आप लोग देखो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम रहा है भाई। ठीक है, तो ये आप लोग देखो कितने बड़े नेगेटिव संकेत है। इसके बाद आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट 1.2 करोड़ का, जबकि प्रीवियस में 10.3 करोड़, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था भी लगभग 18.9 करोड़। तो आप लोगों के सामने भी इतना घटिया रिजल्ट आया तो उसका तो इम्पैक्ट देखो घटिया होना था स्टॉक के ऊपर। तो ये कारण रहे हैं स्टॉक में गिरावट के पीछे जो रिजल्ट्स आए हैं इसके। तो चलिए अब इसका चार्ट देखते हैं कहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं। तो हाल फिलहाल आप लोग देखोगे भी स्टॉक ने एक सपोर्ट तो आज के दिन ब्रेक किया है, 777 रुपये के आसपास का सपोर्ट था, इसको नीचे में काटा था, बट अभी टाइम स्टॉक फिर से इसके ऊपर में आया जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। पहला तो सपोर्ट ये रहेगा भाई 770 रुपये के आसपास का, अगर ये नीचे में काटा तो 679 और 630, ये दो सपोर्ट है अभी नीचे में। तो अभी टाइम तो 677 के आसपास ही स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखते भी स्टॉक नीचे में क्लोजिंग लेता तो ये नीचे में आप लोग देखोगे 670-700 उस रेंज में आ सकता है। बट इसमें जो रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं इसका हर स्टॉक के दिन जो है हर दिन असर नहीं रहने वाला है, आज या कल असर रहेगा, अभी उसके बाद जो है अभी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आज असर ही है। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक में अगर आपकी होल्डिंग है पहले से खरीदारी कर रखी है तो लॉन्ग टर्म में चलिए, शॉर्ट टर्म वाले उनके लिए देखो भी 7773 ये जो सपोर्ट है ये है, और यहाँ से आप लोग देखो कि स्टॉक इसी सपोर्ट के आसपास आया हुआ है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं अभी 679 और 630 ये दो सपोर्ट हैं भाई। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई खबर आपसे आगे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।